हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का डिटेल वीडियो एक सेगमेंट हमने नया स्टार्ट किया है। फ्राइडे को अपडेट किया था, संडे को वीडियो बनाने वाला था, बट नहीं बना पाया, तो आज उसका भी डिटेल करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कीप पेशेंट। और फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। और सेगमेंट ITM, OTM और ATM, तीनों सेगमेंट को कंटिन्यू कर दिया गया है। ATM में भी फर्स्ट ATM का ट्रेड अगर किसी को करना हो, अगर कोई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि ITM की स्पीड ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट ITM ही लिया है, उसमें कोई ज़्यादा लूप होल नहीं छोड़ा कि सेकंड थर्ड ITM लेके वहाँ पे कोई वो करते। हाँ, सेकंड थर्ड ITM में थोड़ा सा मूवमेंट और प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, स्टॉप लॉस बड़े होंगे, प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ITM को एड ऑन कर दिया गया है। फर्स्ट ITM जो लोग प्रॉफिट रेशियोज थोड़ा सा स्पीडी चाहते हैं, जो इमीडिएट ट्रेड करके मॉर्निंग में पहला दो एक दो ट्रेड करना चाहते हैं, तो ITM को यूज कर सकते हैं। ITM आल्सो ए वेरी गुड सेगमेंट इनसाइड। और ऑब्वियसली थोड़ा सा स्पीड मैटर करेगा वहां पे। आपको एंट्री लेवल्स परफेक्टली सेम तरीके से मैच करना है। अब तीन सेगमेंट हैं, तीनों में अलग अलग रेशियोज सामने निकल के आएंगी, उन तीनों रेशियो को ध्यान में रखिएगा। ATM में 20% के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, हाई -5-7%। वो सबको पता है कि 100 रुपीज़ के प्रीमियम पे 7% रखते हैं, 150 के प्रीमियम पे हाई -7% रखते हैं, और अगर प्रीमियम 200 के ऊपर हो, 250 हो, 300 हो, 400 हो, तो हाई -5% इज मोर देन एनफ। ये ट्रेलिंग SL है, TSL, ट्रेलिंग SL। तो ट्रेलिंग SL को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ATM में 20% के बाद ही हाई -5% का ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको 13-14%, 13 से 15% हाई ट्रेड में मिल पाए। जैसे अभी लगातार अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो अगर ये अप ट्रेंडिंग मार्केट कंटिन्यू चलता रहा, तो मूवमेंट आपको ऐसे ही कैप्चर करने पड़ेंगे। स्लो मूवमेंट में देखिए, आपके पास मोर देन 60-65% टाइम मार्केट एक ट्रेंड करती है। किसी भी दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट अप ट्रेंडिंग में ऐसे ही परफॉर्म करती है, हमारी मार्केट में कोई ऐसा कसूर नहीं कर रखा है। तो अप ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शंस में ऑब्वियसली कोई बहुत बड़े मूवमेंट नहीं आते, गैप अप गैप डाउन में पैसा लोग कमाते हैं, और सेलर एडजस्टमेंट करके उसको सेलिंग में पैसा कमाते हैं। तो आपका भी थोड़ा ओपिनियन साउंड होना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करें और ट्रेलिंग SL लगा के, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा है तो चलने दें, नहीं चल रहा है तो छोड़ दें। रेगुलर प्रॉफिट हर रोज कमाना है, हर रोज खाना है, हर रोज सारे काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा प्रॉफिट आएगा तो ही उसको देखेंगे। तो 20% एक कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। तीन सेगमेंट हैं, जो लोग जिस तरीके से भी ट्रेड करना चाहें वो कर सकते हैं। तीनों सेगमेंट ऑलरेडी एडेड हैं, परसों से मैंने ऐड कर दिए थे, बट कल मैं डिटेल नहीं कर पाया। चलिए ओटीएम की बात करते हैं। बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, आज कोई हैज नहीं दिया गया। मिड कैप में एक छोटा सा हैज दिया था ₹5 का, बट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। और सुबह से ही कुछ डाउटफुल मार्केट एज इट इज देखिए, ये जब आप ट्रेंडिंग मार्केट है, गैप अप करके वो करती, तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम तो रहता ही है कि अब मार्केट हाई काट रही है, हाई के पास है, तो आज मूवमेंट एक्सपेक्टेड था कि हाँ थोड़ा सा आप ट्रेंडिंग, अगर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट एक बार ऊपर परफॉर्म करेगी, मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस आज के लिए ज्यादा ही थे, लेकिन मार्केट फिर स्टेबल हुआ तो वहां पे प्रीमियम ऑब्वियसली खत्म हो जाना था। बैंक एक्स की बात करते हैं, 30% का पहले एक रूल, सिंपल सा रूल कि ओटीएम है, ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस था 58,500, और उसमें आपका क्लोज था 52, 52 के बाद हाई इज 78। सो 30% ये 40% से ज्यादा चला है, 52 का क्लोज है, 52 53 की अगर आप एंट्री हो तो 1.4 इज 72, 1.5 52 इंटू 1.45 विच इज 75। हाई कितना है? ये 50% का मूवमेंट है। हाई 78.95, क्लोज 52, 20, 52, 53 पे अगर आया हो तो 78, 50% का मूवमेंट है। 30% के बाद आपका ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाता है, विच इज समवेयर अराउंड हियर, और उसके बाद आपको जो भी ट्रेलिंग 50% में से 30-35-40% कुछ तो निकालिए, जो भी निकल जाए अपना एग्जिट कीजिए, कोई बात नहीं, एग्जिट हुआ काम खत्म। आपको दोबारा ट्रेड करने के लिए दोबारा से लेवल मिला, दोबारा से पूरा दिन मिला होता है ट्रेड करने के लिए। क्लोज 46 का है, 46 से हाई 66 का, 46 से हाई 66, अगेन 50%। दीज स्मॉलर मूवमेंट इज इक्वल टू 50%। उसमें से हाई -5% का ट्रेलिंग 30%, 35%, 40%, 45%, कुछ भी तो निकलना चाहिए।
चलिए उसके बाद एक ट्रेड ये यहाँ पे आया 12:23, लो था 12:40 का और 12:30, 12:40 का, 12:30 का लेवल था एक्चुअली, और ये लेवल था ओटीएम बैंक एफ, बेसिकली हीरो जीरो से पहले का लेवल था, हीरो जीरो के बाद एक मिड पॉइंट लेवल होता है वो लेवल था, ये मैंने ऐड किया था, ओटीएम में एडेड है, एटीएम में ये लेवल है ही नहीं, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। क्लोज 13 रुपए 95 पैसे, 14 रुपए, 14 रुपए से हाई 129, हाई को छोड़ दीजिए, क्लोज 14, 14 42, 14 चौका 64, यहां पे 52 का क्लोज है, 1 मिनट में भी जाके देख लीजिएगा क्लोजिंग वैल्यू से आराम से, ये दोबारा हाई 53 का है, दिस वन। तो मार्केट में प्रॉफिट कहीं भी बुक हुआ, अगर मैं क्लोजिंग से भी बात करूं तो भी आपको एक बड़े प्रॉफिट में आप वहां पे डिजाइंड हो, बड़े प्रॉफिट की तरफ आप देख सकते हो। मैं क्लोज के ही वैल्यू ले लेता हूं, 52, 14 रुपए का प्राइस था, उस पे आपको 3.7 टाइम्स मार्केट मूव किया, 370% बैंक एक्स का, राइट। ये थी कॉल बैंक एक्स, मिड कैप की भी एक्सपायरी थी, मिड कैप में सुबह जो ट्रेड आया क्लोज 17 रुपये, 17 रुपये से 50 रुपये, 300%, राइट। आपने कितना बुक किया इट डिपेंड्स ऑन यू, मिड कैप पुट, पुट में कुछ नहीं हुआ, फ्लैट डाउन कुछ नहीं है, ये इन स्पाइक के लिए मैं फिर निफ्टी के लिए भी मना करता हूँ और मिड कैप के लिए भी मना करता हूँ कि देखिए जब तक बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा फिर हीरो जीरो ट्रेड या फिर सडन स्पाइक्स आपको फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में देखने को मिलते रहेंगे। पुट आज बिल्कुल फ्लैट डाउन था, कहीं कोई रिवर्सल आया नहीं, बैंक एक्स आपने देखा, मिड कैप का कॉल एक बार ये कॉल भी आप देख सकते हो, 18 रुपये, 18 रुपये से 24 रुपये, तो ये भी कितना चला, 18 रुपये से 24 रुपये, 18 है आई थिंक, राइट 18 और हाई इज 24, आपको 30%, आपको 30-40% चाहिए, 30% से ज्यादा है, राइट। उसके बाद आपका ट्रेलिंग कटता तो कटने दीजिए ना। चलिए मिड कैप बैंक एक्स, आज फिन निफ्टी भी था, फिन निफ्टी इसी था, कल की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी मूवमेंट काफी अच्छा, 49 49 50, 50 रुपीज का क्लोज, 50 रुपीज लेवल इज 45.95, 49, 4 रुपये ऊपर क्लोज और 4 रुपये से 120 रुपये का हाई, मतलब 45 से 120 का हाई 3 टाइम्स, तो ये पावर ऑफ ओटीएम है। एटीएम का मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे ये लो लो 45 है, हाई 120, टू पॉइंट सिक्स सिक्स टाइम, 2.5 गुना। उसके बाद पुल बैक एंट्रीज में 30% आपको जहां भी देखना है वहां पे 30% देख लीजिएगा, ये ओटीएम चल रहा है अभी, ओटीएम सेगमेंट चल रहा है। पुट में, पुट की बात करें, 14 रुपये, 14 रुपये से हाई ऑलमोस्ट 100%, 26 रुपये का, 2 रुपये डिफरेंस करके 26 रुपये का हाई, मतलब 14 रुपये से 28 रुपये। निफ्टी, ये आई थिंक आईटीएम है, निफ्टी का मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, 25,000, 24,850 का कुल, हाँ बेसिकली ये आईटीएम का है, 23,300, 23,400, 23,200, फिर निफ्टी 23,323, ये आईटीएम अभी स्टार्ट हो गया आईटीएम का, एक्चुअली मैंने ओटीएम का निफ्टी बैंक निफ्टी आज नहीं ऐड किया, ऐड हुआ था एक्सेल अपडेटेड था बट मैंने उसमें ट्रेडिंग नहीं किया और ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट भी नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी में 2 दिन बचे हुए हैं, निफ्टी में 3 दिन बचे हुए हैं, तो हमारे पास एक्सपायरी काफी ज्यादा थी, मिड कैप फिर निफ्टी कल की है तो तीनों सेगमेंट को देखना जरूरी था, फिर आईटीएम को निफ्टी मैंने आईटीएम की निफ्टी को मैंने लगाया तो आईटीएम की निफ्टी एग्जैक्टली द लेवल इज 144, 144 से 278, ये आईटीएम की मूवमेंट है, 213 यहाँ पे दोबारा से 25%, इसमें 25% मैंने एक चीज ऐड की है ध्यान रखिएगा, ओटीएम में 30% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आफ्टर 30%, आईटीएम आईटीएम
आईटीएम में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आफ्टर 25%, एटीएम में आफ्टर 20%, आफ्टर 20% सबको पता है, आईटीएम में जिनको नहीं पता उसके लिए है 25% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब 25% आपका प्रॉफिट रीच करेगा तभी आपको स्टार्ट करना है, उससे पहले आप स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे। ठीक, तो ये आज जो आईटीएम है, आईटीएम में 20% अगर देखें 213 से हाई 251 और मे बी दैट वन, सो आपको 25% का गेनर आपको चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे एक छोटा छोटा सा स्मॉल मूवमेंट है 67 से हाई 87 88, 25% का मूवमेंट चाहिए, तो यहाँ पे फिर मार्केट वहीं क्लोज हुआ, आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। बैंक निफ्टी सी ओपनिंग में 4 मिनट 5 मिनट डजंट मीन, 3 मिनट सुबह सुबह 3 मिनट और 2 मिनट पे ट्रेड होता है। जिनको फ्रीक्वेंसी, जिनको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करना है, जो ट्रेड को पकड़ सकते हैं, ट्रेलिंग लगा सकते हैं, तो 1 मिनट पे भी कर सकते हैं। पहले 10 मिनट आप देखिए 9:25 9:25 पे लेवल अपडेट हुआ, क्लोज आपने देखा 9:25 का, 9:25 से 9:30 9:35 1 मिनट कीजिए, देन आफ्टर 3 मिनट और 5 मिनट क्लोजेस 338 हाई इज 490। ये आईटीएम है, ध्यान रखिएगा 25% प्रॉफिट है। इसमें भी बैंक निफ्टी 51200 लो 213 नहीं 176 176 262 158 है बेसिकली, तो यहां पे कोई लेवल आया नहीं, 176 से गया ये मार्केट ऊपर नीचे, बट कोई लेवल नहीं था। फिर निफ्टी आईटीएम का कमाल देखेंगे तो 119 से 234 ऑलमोस्ट 100%, 2-4 पॉइंट से बचा। फिर निफ्टी पुट 46 से आई 73 डबल, ये आईटीएम चल रहा है। मिड कैप निफ्टी आईटीएम में जो मूवमेंट आया 55 से लेके 1110 100%, 8 रुपए से लेके हाई 38। मिड कैप निफ्टी 13,050 मिड कैप निफ्टी फुट 8 रुपए 15 पैसे 8 रुपए 15 पैसे से 8 रुपए 30 पैसे 8 रुपए 30 पैसे से 21 8 3 24 38, तो कितना 8 3 24 8 4 32 8 5 40 5 times 4.75 times मार्केट बिहेव, एक बार आपकी डायरेक्शन में चला, कभी स्टॉप लॉस नहीं कटा और फिर उसके बाद कैश डाउन। ठीक, तो आपका प्रॉफिट में भी हिट हियर 300% 400% और मे बी 500%। ये है आईटीएम, बैंक एक्स आईटीएम क्लोज 222 423 ठीक, क्लोज 320 236 हाई इज 362 236 362 73 का था 149 100% एग्जैक्टली 100% वैल्यू, और उसके बाद तो ये ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो कभी नीचे ही नहीं आया। अठावन हजार चार सौ ये आईटीएम की सीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और किसी को देखना है तो जाके देख सकते हैं। वी एक्चुअली पब्लिश द मल्टीपल ऑल टाइप ऑफ मार्केट, मीन्स अभी देखिए कुछ बचता नहीं है, आईटीएम ओटीएम और एटीएम, जिसको जिसमें पसंद आए उसमें ट्रेड कीजिए। तीनों के कंसेप्ट थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, हैजिंग का कंसेप्ट भी सब में सेम है। आईटीएम में हैज करना डिफिकल्ट होगा, प्राइस रेंज ज्यादा है, अगर मार्केट स्टेबल रही तो दोनों का प्राइस गिरेगा, एटीएम में भी और ओटीएम में भी। ओटीएम में प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइस रेंज काफी कम होता है, तो ओटीएम में आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का मूवमेंट आपको पकड़ में आएगा, तो बड़े अच्छे से वो मल्टीपल टाइम मूव करेगा। 24900 ये एक्चुअली मैंने फिर ये एटीएम के लगाए, एक्चुअली एटीएम है ये सारे एटीएम है, 24900 का एटीएम था। 24900 में किसी को मूवमेंट देखना है 100 रुपीज से 110 से 240, ये सब
लो 48, हाई 70, लो 116, सॉरी क्लोज है ये, लो 107, 109 न्यूट्रल लेवल राइट, देन आफ्टर गोज टू 128 और उसके बाद वो सीधा सीधा डबल। ये सब एटीएम का ट्रेड है, एटीएम में जिसने आज जो रेगुलरली एटीएम में ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मॉर्निंग में ही एक अच्छे खासे प्रॉफिट की तरफ देखने को मिल गया था। देन आफ्टर 149 215 मतलब 70-80% आपको उसी टाइम 60% 50% हर तरीके के मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, लो 83 हाई 192 2.5 टाइम्स, लो 27 हाई 53 डबल, मिड कैप 37.89, 4 रुपीस लो, क्लोज 5.60 रुपीस मिड कैप, 6.10 रुपए 3.50 रुपए 6.10 रुपए के ऊपर क्लोज यहां पे, सिर्फ रिजल्ट लगा देता हूं, टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा, 6.10 रुपए का लेवल था, 6.10 रुपए मार्केट ने क्लोज यहां पे दिया, 7 रुपए का क्लोज दिया, और अगर दूसरे ट्रेंड में देखें तो दूसरी बार में 6.50 रुपए का क्लोज दिया, 6.50 रुपए 32 रुपए 7 रुपए से लेके 4 टाइम्स 400% 400+% मूवमेंट इन साइड। ये एटीएम चल रहा है, बैंक एक्स में ये वैल्यू वहां भी आई, ओटीएम में भी आई, यहां भी आई 122 से 300%। चलिए तो ये था आज का सेगमेंट, तीनों सेगमेंट कंप्लीट कर दिए गए हैं, तीनों सेगमेंट कंप्लीटेड हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें लिखा हुआ है, तो आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं होगी। एटीएम ओटीएम आईटीएम जो जिसमें एक्सपर्ट होना चाहिए वो कर सकते हैं। एटीएम को हम रेगुलर 3 सालों से ट्रेड कर रहे हैं, ओटीएम को इसी साल हमने ऐड किया है, अभी ऐड किया है बल्कि 1-2 महीने से, मेरे पोर्टफोलियो में ओटीएम भी 1.5 साल से है, एटीएम पहले से था, आईटीएम हमने करंटली ऐड किया है। आईटीएम में एक बात का ध्यान रखिएगा, डीपली समझ लीजिए, अगर दोनों में कॉल पुट के प्राइस में चाहे वो एटीएम हो, ये बिल्कुल एग्जैक्टली नियर बाय प्राइसेस हैं, कभी भी अगर 10-15% से ज्यादा का डिफरेंस हो तो कभी उसको ट्रेड ना करें, उस सिंबल को ट्रेड ना करें 10-15% से ज्यादा का डिफरेंस हो। तो देखिए सभी स्ट्राइक्स ऑलमोस्ट सेम है, बैंक एक्स का प्रॉब्लमेटिक था, तो बैंक एक्स का प्रॉब्लमेटिक था तो इट मीन्स कि मार्केट में मूवमेंट का भी प्रॉब्लम है, उसके बिहेवियर जब तक उसके प्राइसिंग नियर बाय ना हो, दोनों का क्लोजिंग प्राइस नियर बाय ना हो, वो नजदीक ना आए जब तक उससे दूर रही है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है दोनों के कंबाइंड प्राइस से है, तो कंबाइंड प्राइस की वैल्यू को ध्यान रखें। 152 देखिए ऑलमोस्ट ऑल आर सेम, 26-27 53-54 ठीक। तो ऐसा नहीं कि ओपनिंग पे ही एज कर दिया ये कर दिया, क्योंकि प्राइस ड्रास्टिकली चेंज होता है 9:30-9:35 के बाद देखा जा सकता है, 140-140 33-35-21 123-109 67 आज जिनमें भी जे ये कॉम्बिनेशन आप कहीं भी देखें, बैंक एक्स में आईटीएम का ट्रेड आप देख लें और एटीएम का आप ट्रेड देखें, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। एक चीज और, शॉर्ट टर्म की सीट मैंने कल अपडेट की थी, जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं ध्यान दे सकते हैं, आज भी अपडेट करूंगा, क्योंकि जिन लोगों की बाइंग एंट्री है तो बाइंग एंट्री को देखें आज की, ये इसका आप कॉपी ले लें बाइंग एंट्री के बाद, उसके बाद अगर कल रिवर्स एंट्री आती है, सेलिंग एंट्री आती है तो लो वैल्यू विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो कल मैंने अपडेट किया था, आज भी ये बाइंग एंट्री और सेलिंग एंट्री आप ध्यान से देख के कर सकते हैं। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म एटीएम ऑफ एटीएम ओटीएम एंड आईटीएम तीनों के तीनों आपको 9:25 तक आपको तीनों लेवल अपडेट हो जाएंगे, तीनों लेवल अपडेट होने के बाद आपको जहां भी ट्रेड करना हो 9:25 का क्लोज देखते जाइए, जैसे जैसे भी आप ट्रेड करना है। एक बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, अगर चाहें तो तीनों में एक साथ ट्रेड किया जा सकता है, अगर आप खाली स्ट्राइक प्राइस लगा लें, जैसे आपको 2 सिंबल करना है, आपके पास 6 स्ट्राइक प्राइस है, 6 स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा,
देखिए डिफिकल्ट सब कुछ है, पैसा कमाना उतना ही आसान और उतना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है। जब आ जाएगा तो आसान हो जाएगा, नहीं है जब तक नहीं आता जब तक मुश्किल है। तो ऐसा ही है कि अगर आप 6 सिंबल लगाएंगे, अगर आपकी कॉल में एंट्री हो रही है तो ओटीएम भी चल रहा है, ओटीएम भी एक पर्टिकुलर लेवल से वो कर रहा है। अगर आज आप तीनों की एंट्री देखें, तीनों की एंट्री सब में सेम है। कॉल की एंट्री मैं मिड कैप की दिखा देता हूँ, टाइमिंग वही है 9:27 का। बैंक एक्स की देख लीजिए, फिन निफ्टी की, अभी चल रहे आईटीएम पे आ गए, काफी बड़ा सेगमेंट है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों के लिए सारी चीजें नहीं होती, सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। किसी को बहुत अच्छी ट्रेड, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेड करने की वो होती है, उसको प्रॉफिट भी बड़े चाहिए, उसे प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम कुछ भी हो प्रॉफिट कैसे आएगा सिर्फ ये मतलब है। तो प्रीमियम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसमें आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू भी अच्छी होंगी, चीजें भी अच्छी होंगी, ठीक। और ओटीएम में अगर आप जाते हैं, ओटीएम में जाते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ टाइम का पैसा है, उसको आप सिर्फ एक होप लगा सकते हो, एक उम्मीद कर सकते हो ओटीएम में कि ओटीएम और एटीएम भी अगर प्राइस वहीं खड़ा है तो उसको भी 0 होना है। तो बेसिकली ओटीएम और एटीएम जो दोनों हैं वो बेसिकली होप हैं कि मार्केट अगर हमारे प्राइस से ऊपर गया तो समय को बदल देंगे, समय थोड़ा आपकी डायरेक्शन में चलेगा। तो वहाँ पे सिर्फ समय है और यहाँ पे प्राइस वैल्यू भी है, यहाँ पे कुछ पैसा भी है। तो आईटीएम एक अलग चीज़ है, ओटीएम अलग चीज़ है, सब अलग अलग है। प्लीज डोंट बी कन्फ्यूज इन साइड, कोई कन्फ्यूजिंग का मैटर है ही नहीं, ये तीनों चीज़ें अलग हैं, तीनों का कंसेप्ट भी अलग है, तीनों में ट्रेडिंग स्टाइल एक है, ट्रेडिंग स्टाइल एक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, 5-5% आप उसमें ज्यादा रख सकते हो, प्रॉफिट रेशियो चेंज कर सकते हो। देखिए आईटीएम का प्राइस रेंज ज्यादा होती है तो जो बड़े मूवमेंट आएगा तभी कुछ बड़े प्राइस रेंज को पकड़ेगा, अदरवाइज उसने एक परसेंटेज मूव में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट जो है वो एक अलग तरीके से वैल्यू करेगा। तो आप उसको थोड़ा सा समझिए, ये सब ग्रीक का ऑप्शन, ग्रीक का काम है। आप इसके लिए ऑनलाइन जाके आप सर्च कर लें क्या चीज़ें होती हैं जिसको नहीं समझ में आता। तो बाकी चीज़ें मैं अपडेट कर चुका हूँ, टेक केयर, ध्यान रखिए, और होप आपके लिए बेनिफिट हो। मैं आईटीएम के लिए और चीज़ों के लिए जो कुछ लोग थे इस वीक के लिए, मैं सभी को रीओपन कर रहा हूँ। रीओपन मीन्स जिन लोगों को पहले, जिन लोगों ने अपडेट नहीं किए वर्जन, ओटीएम जो नहीं चाहते थे, जिनको ओटीएम नहीं करना था, तो उनको मैंने गूगल सीट से रिमूव कर दिया था। तो आई जस्ट एडेड टू फॉर दिस वीक, और नेक्स्ट वीक से फिर से वो पेड हो जाएंगे, और जो नए क्लाइंट आएंगे उनके लिए वो सेम फीस है। आईटीएम के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज नहीं है, सो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हो सकता है आपको, नॉट फॉर 4 साल के, कि मैं बार बार हर चीज़ के लिए मैं कुछ अपडेट करूंगा, हर बार आपसे पैसे के लिए बोलूंगा कि अपडेट है तो नया पैसा, नई नई चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। ओटीएम एक अलग, ही सेगमेंट है। तो आईटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओल्ड क्लाइंट्स, और न्यू क्लाइंट्स के लिए भी कोई फीस में कोई चेंजेस नहीं है, सेम फीस है, सेम चीज़ें हैं। सो वेलकम टू यू ऑल, अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन का, कोई सीखना चाहते हैं ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन बाइंग के बारे में, तो आइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट फॉर।